राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। तेनाली राम की कहानियां। आइए अब सुने कहानी संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु। एक बार जब तेनाली राम शहर के बाहर गए हुए थे, उस समय दरबार में उत्सव का माहौल था, क्योंकि विजयनगर के महाराज ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की। आज हम अति प्रसन्न हैं, हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ही ली। महाराज, हमारे बहादुर सैनिकों के सामने दुश्मन के सैनिक टिक नहीं पाए। महाराज, सेनापति जी की रणनीति का तो कहना ही क्या। महाराज, इतनी बड़ी जीत को यादगार बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ मंत्री जी, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। महाराज, इस महान विजय की याद में हम क्यों ना कोई विजय स्तंभ बनवाएं? वाह मंत्री जी वाह, सुझाव तो बहुत अच्छा है। हम एक विजय स्तंभ ही बनवाएंगे और उस पर सभी वीर योद्धाओं के नाम अंकित किए जाएंगे। शुभ कार्य में विलंब कैसा महाराज? मंत्री जी। महाराज, प्रधान शिल्पकार को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं शिल्पकार रामनाथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए महाराज। शिल्पकार, हम चाहते हैं कि आप एक विजय स्तंभ बनाइए। जी महाराज। जिससे हमारी ख्याति विश्व भर में फैल जाए। जी महाराज। उस विजय स्तंभ को लोग दूर दूर से देखने आए। जो आज्ञा महाराज। ऐसा अद्भुत विजय स्तंभ बनना चाहिए कि सारा विश्व देखता रह जाए। अद्भुत, अद्वितीय। इसके लिए आपको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। जी महाराज। शिल्पकार। जी महाराज। आपको कितने दिन चाहिए विजय स्तंभ को बनाने के लिए? महाराज, पहले मैं विजय स्तंभ का नमूना बनाऊंगा, सातवें दिन मैं विजय स्तंभ की रूपरेखा लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है शिल्पकार, सातवें दिन हम आपकी कला का नमूना देखेंगे। यदि नमूना हमें पसंद आया तो हम उसके लिए भी एक बड़ा पुरस्कार देंगे। महाराज की जय हो। अगले दिन तेनाली राम शहर से लौटे। सुबह वो घूमने के लिए निकले तो
अरे तेनाली रामा, मंत्री जी वो आए अपने रिश्तेदार के घर से। जी मंत्री जी, तभी तो प्रातःकाल की सैर में आपका साथ देने चला आया। अच्छा किया, अच्छा किया। दरबार में आपकी कमी महसूस हो रही थी। जी इन 5-6 दिनों में कुछ विशेष हुआ दरबार में? जी तेनाली जी, युद्ध में विजय पाने के अवसर पर एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। अच्छा? महाराज ने प्रधान शिल्पकार को विजय स्तंभ का नमूना प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विजय स्तंभ? जी, शिल्पकार अभी विजय स्तंभ की रूपरेखा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। रूपरेखा यानी नमूना पसंद आने पर ही शिल्पकार को बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। ओ, अच्छा अच्छा। सात दिन के बाद दरबार में शिल्पकार ने विजय स्तंभ का नमूना प्रस्तुत किया। महाराज की जय हो। आइए आइए शिल्पकार, आइए। महाराज ये है विजय स्तंभ का नमूना। अरे वाह शिल्पकार, तैयार के लिए आए हैं। क्या होता, हम प्रसन्न हुए। विजय स्तंभ के नमूने का वस्त्र हटाया जाए। जो आज्ञा महाराज। वाह अद्भुत अद्भुत, अति सुंदर अति सुंदर। मंत्री जी। महाराज आपको कैसा लगा ये नमूना? महाराज विजय स्तंभ का ऐसा नमूना मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच मंत्री जी? बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, उत्तम सुंदर। महाराज यदि नमूना इतना भव्य है तो असली विजय स्तंभ कितना भव्य होगा। निश्चित निश्चित महाराज, प्रधान शिल्पकार का परिश्रम प्रशंसनीय है। हाँ तेनाली रामा, हम विजय स्तंभ का नमूना देखकर बहुत प्रसन्न हैं। मांगिए शिल्पकार जी, क्या मांगते हैं? महाराज से हीरे जवाहरात पाने का यही सुनहरा अवसर है। महाराज कहिए शिल्पकार जी। यदि कुछ देना चाहते हैं तो ये मेरा थैला है, इसमें संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु भर दीजिए। महाराज क्या कहते हैं, क्या डाले महाराज देते हैं। मंत्री जी। महाराज शिल्पकार के थैले को हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। क्यों शिल्पकार, यही चाहते हैं ना आप? जी महाराज, हीरे जवाहरात से भी बहुमूल्य कोई वस्तु हो सकती है भला। वाह महाराज वाह, महाराज की जय हो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। तेनालीराम सोचते हैं कि क्या शिल्पकार यही सोचते हैं कि हीरे जवाहरात ही सबसे बहुमूल्य वस्तु है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तेनालीराम इस बात को समझाने के लिए जल्दी से शिल्पकार के पास आते हैं। प्रधान शिल्पकार जी। जी आपको बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो अपना थैला मुझे दीजिए। जी जी ये लीजिए। तेनाली राम ने थैले को हाथ में लेकर हवा में लहराया और फिर उसे बंद करके शिल्पकार को देते हुए कहा, महाराज। कहो तेनाली। शिल्पकार ने संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी है, वो इस थैले में डाल दी गई है। तेनाली रामा।
महाराज, आपने शिल्पकार के थैले में क्या भरा? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ हाँ तेनालीरामा, हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। हाँ, हमें भी कुछ नहीं दिखा। क्या भरा? आप लोगों ने देखा मैंने शिल्पकार के थैले में क्या भरा? मैंने इस थैले में भरी स्वच्छ हवा। स्वच्छ हवा? कृपा निधान, शुद्ध हवा संसार की सबसे बहुमूल्य यानी कीमती वस्तु है। स्वच्छ हवा ही हमारा जीवन है। क्यों शिल्पकार जी? जी, इसलिए यही है आपका सबसे बहुमूल्य पुरस्कार। जी हाँ, जी आप ठीक कह रहे हैं तेनालीरामा। वाह वाह तेनालीरामा, आपने सही कहा। संसार में स्वच्छ हवा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। महाराज, आपने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित कर दिया कि आप ज्ञानवान हैं। बताइए आपको क्या पुरस्कार दिया जाए तेनालीरामा? महाराज, मुझे भी संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु ये स्वच्छ हवा ही चाहिए। वाह वाह, क्या बात कही है तेनालीरामा ने। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। इसके बाद सब ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिल्पकार को तेनालीराम की बात सुनकर पछतावा हुआ और वो बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शिल्पकार जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप एक महान कलाकार हैं। मैं तो बस आपको बताना चाहता था कि संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु धन संपत्ति नहीं है। हाँ बस। तेनालीराम, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! तेनाली राम की कहानियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना एक कार्यक्रम। विषय संयोजन अख्तर हुसैन, आलेख नेहा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जैमिनी कुमार, मंजू मैनी, राम मैनी, कीमती आनंद, बी आर एल सक्सेना, सुनील लोहिया और हरदीप, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।